हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप लोग देख रहे हो मेरे चैनल अभिषेक ड्रीम बोट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एपेक्स लेजेंड के बारे में। हाँ दोस्तों, यहाँ पे एपेक्स लेजेंड पे नया सीजन जो है आने वाला है। तो यहाँ पे एपेक्स लेजेंड के अंदर जो नया सीजन आ रहा है, इसके अंदर बहुत सारे जो है नए चीजें जो है एड किया गया है। तो इस वीडियो के अंदर बहुत सारे चीजें मैं कवर करने वाला हूँ, यानी कि आपसे मैं बात करने वाला हूँ नया मैप के बारे में। हाँ दोस्तों, यहाँ पे सीजन 7 के अंदर जो है नया मैप जो है आने वाला है, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो है आपको नया लेजेंड भी जो है देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे बात करूं मैं नया मैप की, और नया मैप के साथ आपको एक नया कार जो है देखने को मिल रहा है। हाँ दोस्तों, इस बार फाइनली एक नया कार जो है इस मैप के अंदर जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे चीजों के बारे में आपको अगर जानना है तो आप वीडियो के साथ बने रहो, मैं करता हूँ वीडियो को फटाफट से स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ मैप के ऊपर। तो यहाँ पे जो पहला मैप हमें देखने को मिला था एपेक्स लेजेंड के ऊपर, वो था दोस्तों किंग कैनियन। तो ये जो किंग कैनियन है, ये पूरा बेस था डेजर्ट के ऊपर, तो काफी अच्छा सा मैप हमें देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद जो मैप आया वो था वर्ल्ड्स एज। तो ये जो मैप है ये पूरा सिटी के ऊपर बेस था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं उसके बाद जो नया मैप हमें अब जो है सीजन 7 के अंदर जो है देखने को मिलेगा उसके बारे में। तो यहाँ पे जो नया मैप है उसका नाम रखा गया है ओलंपस, और ये जो मैप है ये पूरा गैलेक्सी ऊपर जो है बेस है, आप ट्रेलर पे देख ही सकते हो। तो ये जो है हवा में फ्लोट कर रहा है, और यहाँ पे ये जो है काफी अच्छे तरीके से जो है डिजाइन किया गया है। और इसके अंदर आपको जो सिटी देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया है इस सिटी को। और यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया बनाया गया है, जैसे हमें देखने को मिला था वर्ल्ड एज में। तो यहाँ पे वर्ल्ड एज जैसे यहाँ पे एक सिटी है जो गैलेक्सी के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे ये जो मैप है ये इसका साइज जो है मुझे ऊपर से देख के तो ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जो दो मैप आया है अभी तक एपेक्स लेजेंड के अंदर, तो वो दोनों मैप का साइज जो है सेम है, वही मैप का साइज यहाँ पे रखा गया है। लेकिन ऊपर से देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मैप काफी बड़ा होने वाला है। और इस मैप के अंदर आपको जो है कार भी देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कौन सा नया कार यहाँ पे ऐड किया गया है। तो यहाँ पे जो नया कार है उसका नाम है द ट्राइडेंट। तो ये जो है बहुत ही बेहतरीन सा कार आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको तीनों लोगों की बैठने की जगह जो है बनाया गया है कार के अंदर, और काफी अच्छा जो है ये कार डिजाइन किया गया है। आपको ये गेम प्ले के अंदर जो है दिख रहा है, यहाँ पे साइड बाय साइड आप देख सकते हो कि दो लोग बैठ सकता है और पीछे जो है एक लोग बैठ सकता है। तो यहाँ पे आप कार के अंदर फुल स्पॉट को लेके जो है जा सकते हो। और यहाँ पे बात करते हैं हम नया लेजेंड के बारे में। तो यहाँ पे नया लेजेंड एक लेडी कैरेक्टर होने वाला है, और इसका नाम रखा गया है होराइजन। तो यहाँ पे काफी अच्छा जो है इसको भी डिजाइन किया गया है, एकदम नया सा लुक आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। और यहाँ पे इसका स्टोरी आप जानना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा स्टोरी का, तो आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे एपेक्स लेजेंड सीजन 7 का सारे ट्रेलर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाके ट्रेलर वगैरह देख सकते हो। और आप बात करते हैं यहाँ पे होराइजन का एबिलिटी का, तो यहाँ पे एबिलिटी भी कुछ यहाँ पे रिवील किया गया है, आप यहाँ पे गेम प्ले पे देख सकते हो। तो यहाँ पे ये वाला जो एबिलिटी है काफी अमेजिंग था, पूरा स्क्वाड को हवा में ऊपर उड़ा देता है, उसके बाद आप इजीली उसको किल कर सकते हो। तो यहाँ पे एनिमी जो होगा उसके पास कोई भी कंट्रोल नहीं होगा कि वो इससे बच पाए। यहाँ पे जो कुछ महीने पहले कैरेक्टर आया था लोबा का, तो वो उतना खास नहीं था, लेकिन ये कैरेक्टर जो है बहुत ही अमेजिंग सा मुझे लग रहा है। और इसका अल्टीमेट भी काफी अच्छा और बेहतरीन सा लग रहा है, क्योंकि इसका अल्टीमेट जो है ब्लैक होल सा बनता है, और यहाँ पे जो है काफी पूरा मतलब तहलका मचा देता है जो आप स्क्रीन पे जो है देख सकते हो। तो यहाँ पे जो ब्लैक होल ये जो फिनिशर अल्टीमेट जो भी कहे हो इसको, ये जो है कुछ टाइम के लिए खुलने वाला है, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। तो इस टाइम के अंदर आप ब्लैक होल के आगे आ गए तो आप जो है बच नहीं पाओगे। और यहाँ पे होराइजन का एबिलिटी मुझे काफी पसंद आया है। और यहाँ पे कुछ बैटल पास का स्किन भी आप ट्रेलर पे देख लो, यहाँ पे ये जो नया नया स्किन आपको बैटल पास के अंदर देखने को मिलेगा जितना हमें दिखाया गया है ट्रेलर के अंदर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
यहाँ पे ये मैप और ये पूरा अपडेट जो है आपको 4 नवंबर को जो है देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना, और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो ऐसे जानकारी के लिए। तो बस यही था आज का वीडियो, तो मिलते हैं एक नया वीडियो पे, नया वीडियो जो है बहुत जल्द आने वाला है। तो चलो यार बाय बाय गाइस।